मैं अभी मौजूद हूँ सेक्टर 52 के अरावली अपार्टमेंट्स में, और यहाँ पर एक RWA ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अगर आप यहाँ पर किराए का मकान लेते हैं तो आपको RWA के साथ में पहले अपना वेरिफिकेशन करवाना होगा और उसके बाद ही आपको घर मिलेगा। ये नियम जो फ्लैट ऑनर्स हैं उनके लिए भी होगा और जो किराए पर ले रहे हैं उनके लिए भी होगा। क्या है पूरी प्रक्रिया, हम समझते हैं यहाँ के RWA प्रेसिडेंट हमारे साथ में हैं OP यादव जी, उनसे जानते हैं। सर क्या प्रक्रिया है ये, इस बारे में थोड़ा। यहाँ पे जो है ना एक दो जो है केस ऐसे हो चुके हैं जो ये हमें जो है कदम उठाने पड़ रहे हैं। इसमें हुआ क्या है कि अभी जो है बहुत बड़ा एक केस हुआ है, आप भी जानते होंगे, सोनाली जी का, जो कि BJP की जो है बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ गोवा में मृत्यु हो गई। हमें जो है व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आया कि भाई ऐसे ऐसे ये वहाँ पे ये केस हुआ है। तो इससे पहले भी हमने जो है 2009 में भी एक कुछ छोटा सा कुछ एक केस हो गया था, कुछ सट्टे का करते हुए कुछ पकड़े गए थे। हमने तो जितने भी यहाँ के डीलर थे सब लोगों से जो है हमने एक लेटर जो है पुलिस प्रशासन ने हमें जब प्रेशर दिया तो पुलिस प्रशासन के अकॉर्डिंग हमने एक लेटर लिखा। लेटर के बाद में हमने जो है सभी लोगों को जो है ये पहले भी हमने ये वेरिफिकेशन के लिए एक मुहिम चलाई थी लेकिन वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। वो इसलिए नहीं हो पाई कि जो जितने भी यहाँ प्रॉपर्टी डीलर हैं उन्होंने सही तरीके से सहयोग नहीं किया। वो भी लेटर हमारे पास है जो है हमने 3/2/2019 में दिया था, लेकिन क्या है कि फिर जो है अभी एक ऐसा केस हो गया तो हमें जो है पुलिस प्रशासन ने आते सबसे पहला क्वेश्चन यही किया उन्होंने कि भाई जो है यहाँ पे कौन कौन यहाँ प्रॉपर्टी डीलर है, कौन कौन कैसे काम करते हैं, इनके रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ये सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, आपके पास क्या रिकॉर्ड है। क्या प्रक्रिया होगी पूरी इसके? पूरी प्रक्रिया यही होगी कि जो है जो भी हम यहाँ पे किराए पे, पहली बात तो हम कोशिश करेंगे कि बैचलरों को मकान ना दिए जाए। फैमिलियाँ बहुत आती हैं, छोटे मकान है तो फैमिलियों के लिए ठीक है। तो फिर दूसरा हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी मकान लेगा उनका पुलिस वेरिफिकेशन मस्ट है, उनका जो है जो एग्रीमेंट है वो RWA के पास होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन एक कॉपी पुलिस में होनी चाहिए, एक उनके पास होनी चाहिए, एक हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आती है घर, आदमी रात को भी कोई केस होता है तो वो तो आदमी घर में सोता है, RWA के आदमी को बुलाया जाता है कि भाई ये चीज़ क्या है, हमारे पास प्रूफ होंगे तो हम उसको सही तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये प्रक्रिया होगी कि पहले कोई भी जब आदमी यहाँ रहने के लिए आएगा, खासतौर से बैचलर्स के लिए ये जगह जो होगी थोड़ा सा कठिन हो सकता है उनके लिए रहना, क्योंकि बैचलर्स आकर के यहाँ पर रहते हैं तो उनका पहले वेरिफिकेशन होगा, जो जो भी प्रॉपर्टी डीलर है वो फ्लैट दिला रहा है उनको वो पहले अपना जो भी प्रोसीजर होता है पुलिस से वेरिफिकेशन करवाएंगे। उसके बाद उसकी 3 कॉपियाँ रहेंगी, एक जो RWA के ऑफिस में भी जमा रहेगा ताकि आगे कुछ तरह की समस्या हो तो उनको इस तरीके से टैकल किया जा सके, ताकि RWA और यहाँ के जो आम जनता रहने वाले लोग हैं उनको किसी तरीके की समस्या ना हो। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।